उसमें काफी ज्यादा मनी काफी ज्यादा एफर्ट काफी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है अब हमने पिछले लेक्चर में तो डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रॉलिस क्या होता है इलेक्ट्रॉलिस होता है जब आप इलेक्ट्रोड की मदद से एक करंट फ्लो करवाते हो सोल्यूशन के अंदर और फिर मेटल को उसकी ओर से अलहदा करते हो इसकी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था एलुमिनियम के बारे में आज हमने बात करनी है जो दूसरा प्रोसेस था फॉर लेस स्टेबल कंपाउंड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो वो थोड़े अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उनको अलहदा करने के लिए आपको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो आपको इलेक्ट्रोलिस नहीं चाहिए आप उनको स्मेल्टिंग से अलग कर सकते हैं एंड फॉर हम बात करेंगे आयरन की तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है ऑफ आयरन वी हैव टू सी कि को जो उसकी ओर है उससे किस तरह अलग करते हैं आयरन की ओर का हमें नाम पता है वो हेमेटाइट होता है हेमेटाइट को किस तरह इम्प्योरिटी से अलहदा करके आप उसके अंदर आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो दैट्स लेक्चर इज ऑल अबाउट सो लेट्स आयरन इज द मोस्ट यूज एंड द सेकेंड मोस्ट अबांडेंट मेटल ऑन अर्थ आयरन क्या है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल है दुनिया पे और दूसरी बात यह है कि वो सेकेंड मोस्ट अबांडेंट यानी सबसे पहले कौन सा सबसे अबांडेंट है एलुमिनियम दुनिया पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल है एलुमिनियम और फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट यानी दूसरा जो जा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल है वो आयरन है बट इट इज यूज द मोस्ट और इसकी वजह एक और यह भी हो सकती है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है लाइक वी रेड अबाउट एलुमिनियम की वो सबसे ज्यादा अबंडेंट भी है लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है आयरन जो है वो अबंडेंट तो काफी है एलुमिनियम से कम लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बट उसको एक्सट्रैक्ट करना उतना कॉस्टली नहीं है जिसकी वजह से एलुमिनियम से कई ज्यादा इस्तेमाल होते हैं अब ये किस तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको चल के देखते हैं सो so, आज का हमारा लेक्चर क्या है कि आयरन किस तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं तो विदाउट फर्दर डू उसको देखते हैं Iron is first from hematide, ore, and पहले उसको उसकी ओर और से और उसकी इम्प्योरिटी से अलहदा किया जाता है उसको क्या किया जा रहा है इम्प्योरिटी से अलग किया जा रहा है उसके बाद उसको क्या किया जा रहा है एक बड़े से ब्लास्ट फर्नस में डाला जा रहा है फर्नस जो है उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा जिसकी वजह से आयरन जो है फिर उसके ऑक्साइड से आयरन ऑक्साइड जो है उससे अलग किया जा सकेगा

तो so, स्मेल्टिंग जो है बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है है इसमें हुआ क्या ऑक्सीजन हटा दिया गया आयरन ऑक्साइड में से उसकी बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों क्योंकि वहां पर कार्बन थी कार्बन ने उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड बनाई पीछे हमारे पास रह गया आयरन जो नीचे मोल्टन फॉर्म में हमें अलग से मिल गया वेस्ट गैसेस जो है वो फर्नेस से बाहर चली गई एंड जो हमें आयरन चाहिए था प्योर फॉर्म में वो हमें बॉटम पे मिल गया दिस इज कॉल्ड वर्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग तो इससे हमने स्मेल्टिंग को फिगर आउट कर लिया इट वेरी वेरी सिंपल आयरन ऑक्साइड इन कोक विद एलुमिनियम गो इन टू द फर्नेस गिविंग आउट ऑक्सीजन एंड प्योर आयरन पहले स्टेप को एक दफा फिर से उन्होंने बताया है कि असल में हो क्या रहा है आयरन जो है उसको अंदर डाला जाता है आयरन ऑक्साइड को उसके साथ कोक जिसको हम कार्बन कहते हैं वो भी अंदर डाली जाती है और एक और चीज साथ डालती है जो कि अलूमिनियम एल्यूमिनियम क्यों डाल रहे हैं अंदर एलुमिनियम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो बाकी इंप्योरिटीज को भी अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो बिल्कुल प्योर आयरन हमें मिले और कोई भी जो इम्प्योरिटी है वो उसमें ना रह सके एल्यूमिनियम शामिल किया जाता है सो इज हैपनिंग आयरन एल्यूमिनियम डाला कोक यहाँ पर कार्बन है पीने वाली कोक उसको ना समझे आप ठीक है तो हम कार्बन को कोक भी कहते हैं इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन कोक डाली है कार्बन डाला है एल्युमिनियम डाला है एंड वी हैव आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा हीट की वजह से ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड में से उसने रिएक्ट किया है कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अलग बन गई है वो कर गई है एज अ वेस्ट गैस पीछे हमारे पास क्या रह गया हमारे पास रह गया प्योर आयरन लेट्स गो इन द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाट वी हैव हियर इज अ ब्लास्ट फर्नेस अब जो आप इमेज देख रहे हो वो एक ब्लास्ट फर्नेस की इमेज है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ऊपर से क्या एंटर किया जा सकता है ऊपर से हम उसके अंदर एंटर करेंगे आयरन ऑक्साइड को कोक को एंड को, साथ उसके होगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इसलिए होगा कि वो आयरन में से सारी इंप्योरिटीज को हटा सके ब्लास्ट फर्नेस जैसा कि आप देख सकते हो इट्स ब्लेजिंग रेड क्योंकि उसमें काफी ज्यादा हीट है नीचे से भी उसके अंदर हॉट एयर एंटर की जा रही है आप जो तो साइड पे एक जगह देख सकते हो एंट्री की बॉटम राइट right पे वहां से भी उसके अंदर हॉट एयर जाती है फिर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उसको क्या कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है राइट right साइड पे आप ऊपर देख सकते हो कि वहां से एस्केप करने की जगह है वेस्ट गैस की तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी

अब यहाँ पर चंद क्वेश्चंस हैं जिनका हम दबाव देंगे देखने के लिए कि क्या हमें वाकई समझ में आई है कि एक्सट्रैक्शन किस तरह से होती है क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट आर टू स्टेजेस इन एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन तो की दो स्टेजेस कौन कौन सी हैं पहली स्टेज क्या होती है इम्प्योरिटी से अलहदा करना एक मेटल को उसकी ओर में इंप्योरिटी से उसको अलग कर देना और दूसरा स्टेप क्या होता है दूसरा स्टेप होता है उसको उसके कंपाउंड से अलग कर देना तो so, पहले हम लोग क्या किया उससे है उससे इम्प्योरिटीज हटाई ओर में से एंड देन वी हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम इट्स कंपाउंड

ये हो गया हमारा दूसरा सवाल भी सवाल नंबर तीन है हाउ इज एलुमिनियम एक्सट्रैक्टेड आपने डिस्क्राइब क्या करने? आपने करना है आपने डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रोलिस ऑफ एल्यूमिनियम जिसमें क्या होता है पहले हम बॉक्साइड में से इम्प्योरिटीज को अलहदा करते हैं फिर जो एलुमिना हमारे पास रह जाती है अल्यूमिनियम ऑक्साइड की शक्ल में उसको हम डाल देते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिस वाले टैंक के अंदर वहां पर क्या होता है करंट फ्लो करता है इवेंचुअली ऑक्सीजन के बबल्स बन जाते हैं और मोल्टन एलुमिनियम हमें मिल जाती है इसको आप पिछले लेक्चर की हेल्प से यूज करके उसको यूटिलाइज करके इन्फॉर्मेशन को इसका जवाब डिटेल में देंगे कि किस तरह से एलुमिनियम जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉलिस की मदद से दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है विच अदर मेटल इज एक्ट्रैक्टेड लाइक दिस और कौन सा वो मेटल है आपके ख्याल में कौन सा हो सकता है ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रोलिस की मदद से एक्सट्रैक्ट होगा जाहिर है वही मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो से सेपरेट किया जाएगा जो कम रिएक्टिव है वो जो हम दूसरे तरीकों से स्मेल्टिंग वगैरह से भी रिमूव करा सकते हैं है so यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोडियम मेटल है यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कैल्सियम है हम से कर सकते है? So जो हमारे पास ब्लास्ट फर्नस है आयरन की एक्सट्रैक्शन में स्मेल्टिंग के थ्रू कार्बन क्यों डाली जाती है उसमें इसका जवाब अगर आप थोड़ा सा सोचो तो क्या करिए कार्बन कार्बन रियक्ट करिए ऑक्सीजन के साथ जो आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन है उसको कार्बन ही तो रिमूव कर रही है तो कार्बन इज एडेड टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन सो दैट इट कैन बी फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड कार्बन को इसलिए डाला है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए उसको लेकर वो वेस्ट गैस बन के एस्केप कर जाए और पीछे आयरन जो है सिर्फ उसको छोड़ दे सो दैट इज वट यू हैव टू राइट फॉर दिस क्वेश्चन आखिरी सवाल और पांचवा सवाल है वाई इज एलुमिनियम एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलिस एंड नॉट आयरन एल्यूमिनियम को क्यों हमने इलेक्ट्रोलिस सेपरेट किया और फिर आयरन को स्मेल्टिंग से क्यों सेपरेट किया दोनों में ये फर्क किस वजह से है तो क्या इसका जवाब मुश्किल है नहीं बिल्कुल भी नहीं अलुमिनियम को हमने इसलिए एक्सट्रैक्ट किया से क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है उसने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाया है आयरन को हमने इसलिए स्मेल्टिंग से रिमूव किया क्योंकि वो कम रिएक्टिव है उसने कम स्टेबल कंपाउंड बनाया है बिकॉज द कंपाउंड ऑफ एलुमिनियम इज मच मोर स्टेबल देन द कंपाउंड ऑफ आयरन

So be prepared for that. I'm looking forward to seeing you there. Until then, bye bye.